हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाय, दिस इज़ सुमेरा। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक किटन को सिरिंज फीड कैसे करना है अपने को। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये न्यू बॉर्न किटन्स है जो अभी मदर फीडिंग नहीं ले रहे हैं। तो हमें कैसे सिरिंज फीड करना है वो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, किटन को कभी भी आपको होल्ड ऐसे नहीं करना है। इस तरीके से कभी आपको होल्ड नहीं करना है किटन, और ना ही आपको कभी इस तरीके की पोजीशन में किटन को फीड करवाना है। आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको किटन को ऐसे ही बैठाना है। टमी एरिया जो है वो नीचे होना चाहिए और हेड ऊपर के तरफ, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। और फिर आपको आपका सिरिंज लेना है और धीरे धीरे करके उसको देना है। वो खुद ही सक करना खुद चालू कर देते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देखोगे। अभी ये जस्ट न्यूबॉर्न किटन है और मदर फीडिंग नहीं ले रहे हैं, तो मैंने वही फॉर्मुलेटेड मिल्क बनाया है जो कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि घर में इमरजेंसी होममेड मिल्क कैसे बनाया जाता है। तो आप वीडियो में देखोगे कि किटन खुद ही ले रहा है मिल्क। देखिए, ये उसने पीना चालू कर दिया है। अब मैं सिरिंज के पास से अपना हाथ हटा लूँगी, क्योंकि वो खुद सक कर रहा है और वो अपने आप जा रहा है। देखिए, मैंने हाथ हटा दिया है, मैं सिर्फ सिरिंज पकड़ी हूँ और आप जैसा कि देखोगे वो खुद ही पी रहा है खुद से। तो ये चीज़ आपको करनी है। फॉर्मुलेटेड मिल्क में जितनी क्वांटिटी में मैंने बनाया है वो क्वांटिटी में बनाइए, क्योंकि मिल्क हमेशा फ्रेश रहना चाहिए, क्योंकि अभी वो न्यूबॉर्न है, अपन कुछ भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो बहुत ध्यान रखना है आपको ये सब बातों को। देखिए आप, बस इसी तरीके से आपको आपके किटन्स को भी पिलाना है, चाहे वो पर्शियन हो चाहे वो नॉर्मल डोमेस्टिक कैट हो, सबको आपको इसी तरीके से फीड करना है अगर मदर फीडिंग नहीं ले रहा है कोई किटन तो। और यही एक बेस्ट तरीका है, हेड हमेशा ऊपर होना चाहिए और किटन की बॉडी नीचे। देखिए, और मैंने सारे किटन को ही सिरिंज फीड किया है। आप देखेंगे आगे चल के, अगर इसकी आपको बॉटल मिल जाती है तो वो भी ठीक है, और मेक श्योर कि किटन के नाक में कभी भी फॉर्मुलेटेड मिल्क ना जाए। आप एक हाथ में एक साइड में टिश्यू भी रखिए ताकि आप उनको पोंछ पाए। किटन के नाक और कान में कभी भी फॉर्मुलेटेड मिल्क या कोई भी मदर मिल्क भी नहीं जाने देना। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मेरे किटन्स फॉर्मुलेटेड मिल्क बहुत अच्छे से खाते हैं, जो होममेड है, जो मैंने अपने हाथों से बनाया है। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि ये डेली कैसे ग्रो कर रहे हैं, सिर्फ ये मेरे फॉर्मुलेटेड मिल्क के ऊपर है। और मैंने काफ़ी अपने लाइफ में देखा है बहुत सारे किटन्स पे यूज़ करके, और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, जो कि आप देखोगे कि पहले मैंने वीडियो बनाया था इसके ऊपर। मेरे जो छोटे किटन्स थे जो इमरजेंसी में, जिन लोग वो लोग भी बहुत अच्छा ग्रो किए हैं। आपको अगर उन लोगों का वीडियोस फ़ोटोज़ देखना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, वो लोगों के रीसेंट फ़ोटोज़ वीडियोस अपलोडेड है। वो लोगों ने भी बहुत अच्छी हेल्थ गेन की है, आप उनकी क्वालिटी देखिए एक बार। और ये फॉर्मुलेटेड मिल्क बहुत ईजी और बहुत फ़ायदेमंद है। अभी लॉकडाउन के चलते अपन कुछ भी नहीं खरीद सकते और ना ही अभी स्टॉक अवेलेबल है, तो आप जितना हो सकता है घर में बनाने की कोशिश कीजिए सारी चीज़ें। और जैसा कि आप लोग देख रहे हो, किटन बहुत ज़्यादा एंजॉय करके फॉर्मुलेटेड मिल्क ले रहा है, क्योंकि वो भूखा भी है, एक ये भी चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये कि उन लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद आती है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो गोट मिल्क तो हो जाता है फिर भी डाइजेस्ट, बट काओ मिल्क कभी किटन्स को डाइजेस्ट नहीं होता है। तो मेक श्योर कि आप कभी डायरेक्टली न्यूबॉर्न किटन्स को कभी काओ मिल्क ना दें। अगर मेरा ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। Thank you.